और अब आपको दिखाते हैं बादलों का विद्रोह। पानी आसमान से बरस रहा है और उसकी वजह से संकट जमीन पर। देश के आधे से ज्यादा राज्य भीषण जल प्रहार की चपेट में। आज भी इस संकट की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। उफनती बाढ़ में पलट गया ट्रैक्टर। भारी बारिश ने दर की बुनियाद तो धड़ाम हो गई बिल्डिंग। उफनता नाला पार करने की कोशिश में बह गया युवक। सैलाब में लोगों के घर डूब गए। भीषण बारिश से दरिया बन गया शहर। बाढ़ में फंसे लोगों का रस्सी और ट्यूब से रेस्क्यू। समंदर की लहरों की तरह उफान मारने लगी नदी। भारी बारिश और जलजमाव ने थामी शहर की रफ्तार। पानी से लबालब हुआ डैम तो खोले गए सारे गेट। देखिए, गुजरात पर कुदरत का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है गुजरात, और यही वजह है कि नदियां ही नहीं डैम भी उफान पर। कई रास्ते बंद करने पड़े। दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। और सिर्फ गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में ही अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आसमान से पानी बरसा और गुजरात की बस्तियों में मुसीबतों का अंबार लग गया। शहर के शहर जलमग्न है। सड़कों रास्तों का कहीं अता पता नहीं है। गलियों से मानो दरिया बह रहा है। इन तस्वीरों ने पिछले कुछ दिन से पूरे गुजरात को बड़ा बेचैन कर रखा है। भरूच में भारी बारिश के बाद जब सड़कें पानी में डूब गईं, तो रास्ते का कुछ अता पता नहीं चला, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ लोग ट्रैक्टर पर सवार हो गए। लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद हिचकोले खाते हुए ट्रैक्टर पलट गया। उसमें सवार लोग भी पानी में गिर गए। एक आदमी की जान भी चली गई। ये पोरबंदर के राणा वाव की तस्वीरें हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। घरों के बाहर खड़ी बाइकें भी पानी में डूब गई हैं। गलियों में, सड़कों में, रास्तों में इतना तेज बहाव है मानो दरिया उफान रहा हो। कुछ लोग इस उफनती बाढ़ के बीच भी बाइक लेकर सड़क पार करने की जुगत में हैं। नवसारी जिले का चिखली ताकुला बाढ़ से दरिया बन गया है। कावेरी नदी में आया उफान चिखली में घुसा। उसके किनारे बसे रिहायशी इलाके पानी से लबालब हो गए। जहां नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी है। घर आधे डूबे हैं। ये बरसात नवसारी शहर पर बहुत भारी गुजर रही है। शहर में एक बार फिर से पूर्णा नदी का पानी घुस गया। यहां इतना पानी भर गया कि शहर तालाब में बदल गया। घर डूबे हैं, दुकानें डूबी हैं, मूर्तियां भी डूबी हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। नवसारी किस कदर जलमग्न है ये इन तस्वीरों से पता चल रहा है। सड़कें पानी से भरी हैं। उसी के बीच गाड़ियां गुजर रही हैं। जब इतना पानी भरा हो तो सड़क को तलाश पाना भी एक चुनौती है। ऐसे में लोग पैदल चलने के लिए ग्लाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यहाँ सब कुछ डूबा है। स्कूल डूबा है, बाजार डूबे हैं। ऐसे में अपनी गाड़ी लेकर निकलना किसी इम्तिहान से गुजरने से कम नहीं।
नवसारी पर इस मूसलाधार बारिश की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस मौसम में चौथी बार शहर के निचले इलाकों में पूर्णा नदी का पानी भरा है। इस बारिश ने नवसारी नगर पालिका के प्री मानसून अभियान की पोल खोल कर रख दी। निकासी के इंतजाम कहीं नहीं दिख रहे। कुदरत का प्रहार कितना आक्रामक है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। पूर्णा नदी में ऐसा उफान है मानो कोई समंदर उमड़ आया हो। बीती रात से ही नवसारी में मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले में बहने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। जो इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, वहां लोगों की जान सांसत में पड़ गई है, तो एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। ये नवसारी के नदी मोहल्ला इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी और ट्यूब की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। नवसारी में मूसलाधार बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। ये नवसारी के विजलपुर और मारुति नगर इलाके की तस्वीरें हैं। घरों में फंसे लोगों के सामने मुसीबत दोगुनी है। कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सामरकांठा की ये तस्वीर बड़ी डराने वाली है। सूखी नदी में ट्रैक्टर से कुछ लोग बालू निकाल रहे थे, तभी भारी बारिश की वजह से ऊपर बैराज से सूखी नदी में पानी छोड़ा गया। अचानक बाढ़ आ गई, अफरा तफरी मच गई। ट्रैक्टर को निकालने की जुगत कर रहे लोग यहीं छोड़कर भाग गए। पानी में ट्रैक्टर डूब गया। ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बैराज से ही नहीं डैम से भी छोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आई। ये वलसाड़ के बदुवन बांध से पानी छोड़े जाने के दौरान एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पानी का इतना रौद्र रूप आपने शायद ही देखा हो। नवसारी में इतनी तेज बारिश हो रही है कि नेशनल हाईवे पर भी बाढ़ का कब्जा है। इसमें हाईवे की तरफ भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। रफ्तार सिर्फ नेशनल हाईवे की ही नहीं, दौड़ता भागता अहमदाबाद शहर भी आज रेंगता हुआ दिखा। सुबह के वक्त तो शहर के बालोन नगर पुल पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गुजरात के वलसाड़ में भी बारिश और बाढ़ से बहुत असर पड़ रहा है। सड़कों पर इतना पानी है कि लोग जहां के तहां फंसे हैं, पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। वलसाड़ में सड़कों पर किस कदर सैलाब आ गया, ये इन तस्वीरों में देखिए। शहर में पानी भरता जा रहा है और लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वडोदरा में तो ये कुदरती आपदा लोगों के घरों के भीतर तक घुस आई। लोग अपने घरों से बर्तनों से बाहर पानी फेंक रहे हैं। ये वडोदरा के ढबोई इलाके की तस्वीरें हैं, जहां लोगों का सारा सामान बारिश के पानी में भीग गया। शहर में जलजमाव के ऐसे हाल हैं कि सड़कों में, गलियों में और घुटनों तक पानी जमा है। लोग ऐसे ही पानी के बीच से पैदल निकलने को मजबूर हैं। गुजरात में तो तबाही मची ही है। आपने रिपोर्ट देखी, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना से लेकर केरल तक भी कुदरत इसी तरीके से कहर बरपा रहा। अच्छा, गुजरात के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में कितना नुकसान हुआ और इस संकट से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। कैमरे में कैद ऐसा तूफान देखा नहीं होगा। इतना भीषण तूफान कि पूरा शहर कांप गया, पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, बस गनीमत रही कि जान बच गए। ये डराने वाली तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं, जहां भारी बारिश और लगभग 10 मिनट तक आए तूफान से बड़ा नुकसान हुआ। इसमें करीब 40 घर बर्बाद हुए हैं। नीचे उफनती गोदावरी नदी और हवा में हेलीकॉप्टर और उस पर लटका हुआ एक शख्स। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें तेलंगाना से आई हैं, जहां सोमनपल्ली से बकरी चराने गए दो चरवाहे बाढ़ में फंस गए। जान बचाने के लिए वो एक टैंक पर चढ़ गए, जहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बचाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में बाइक सवार इतना खुश नसीब नहीं था कि उसे बचा पाते। हालांकि उसने खुद जानबूझकर जान जोखिम में डाली। देख देख देख। गए, गए, गए।
हुआ ये कि बरसाती नाला पार करते समय युवक बाढ़ में बह गया। इतना ही नहीं, उफनते नाले में एक अन्य बाइक सवार भी फंस गया, जिसे समय रहते बचा लिया गया। ऐसी ही लापरवाही नागपुर के मोदा तालुका के तरसा गांव में इस बाइक सवार ने की। बाढ़ पुल के ऊपर बहने लगी तो बाइक सवार जान जोखिम में डालकर बाइक निकालने लगा। गनीमत ये रही कि सही सलामत ये पार हो गया। इंदौर में कल तेज बारिश के बीच चंद्रभाना इलाके में कार बहने लगी तो लोगों के होश उड़ गए। इस कार में चार लोग सवार थे। एन वक्त पर पुलिस को खबर की गई, तब जाकर चारों की जान बच पाई। ये महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें हैं, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा रहा था, लेकिन नाले में भीषण उफान के बीच वो जान जोखिम में डालकर एम्बुलेंस को आगे बढ़ाकर ले गया। पालघर में बारिश के बाद वैतरणा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से उससे सटा एक रिसोर्ट डूब गया। पालघर में मुसीबत इसलिए भी आई है क्योंकि यहां के डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। पालघर में सूर नदी पर बने धमानी बांध के सभी 5 गेट खोल दिए गए, तब ऐसी विकराल तस्वीरें सामने आई। बद्रीनाथ हाईवे पर कुदरत का कहर टूटा है। गोविंद घाट के पास बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये ऑल वेदर रोड बंद हो गई है। कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। ABP News आपको रखे आगे।